वेलकम टू आर के एम फे वॉइस। तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे को सेरन और केबल को कंपैरिजन करने के लिए, सो आज कंपैरिजन करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेरन का बिल्ड में, अपना सेरन के बिल्ड में मैं डिटेल्स में आप देख सकते हो सब कुछ मैक्स आउट है, ठीक है। और आई सेट में नॉर्मल एनर्जी अटैक का जो यहाँ पे दिया हुआ है, एनर्जी अटैक दे सकते हो जो देना दे सकते हो, एनर्जी अटैक क्रिटिकल डैमेज और जो आपके स्टैट्स में नहीं होगा वो दे सकते हो, ठीक है। और मैं मेरा सेरन टीयर 4 है, तो स्ट्राइकर में मैंने आयरन मैन को चूज़ किया है और यहाँ पे फुल मैक्स आउट है सब कुछ। और रैंक 5 है मेरा, आई सेट फुल है। आर्टिफैक्ट को मैंने दे रखा है 360 का आर्टिफैक्ट जो मेरे को मिल गया था, और मैंने माइटी CTP ऑफ एनर्जी दे रखा है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मेरा मैक्स आउट है, और बस यूनिफॉर्म में ऑप्शन बहुत कम है, पर एक ही ऑप्शन है, बाकी सब ओके है, मतलब कि फुल मैक्स आउट अपग्रेड है मेरे पास सेरन का, ठीक है। अब चलते हैं केबल पे, मैं केबल का दिखा देता हूँ। डिटेल्स में जाते हैं तो डिटेल्स में सब कुछ मैक्स आउट है, बस यहाँ पे थोड़ा अटैक स्पीड जो है वो 129 का है। और यहाँ पे मेरा पास केबल भी टीयर 4 है, और आईएसआर भी मैंने देख वो भी देख सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे टीयर 4 में स्ट्राइकर में दे रखा है ब्लैक बोल्ट का, ठीक है, ब्लैक बोल्ट प्रोवाइड कर रखा है मैंने इसको। और यहाँ पे सब कुछ मैक्स आउट है। टाइप एनहांसमेंट में रैंक 5 है, सेरन के लेवल पे रैंक 5 है, दोनों का इक्वल है। और आई साइड में मैंने दो पावर ऑफ एंग्री हल्क है। आर्टिफैक्ट में मैंने इसको 4 स्टार का आर्टिफैक्ट दे रखा है, सेरन को 3 स्टार का आर्टिफैक्ट दे रखा है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको दे रखा है 4 स्टार का, जो मेरे को क्राफ्ट इवेंट या नहीं सॉरी ये करेक्टर वॉल्ट से मिला था, या फिर उससे मिला था, मेरे को चेस्ट से मिला था, मैंने पता नहीं था मेरे पास इन्वेंट्री में, तो मैंने इसको चिपका दिया। और माइटी CTP ऑफ एनर्जी दे रखा है सेम 200% का डैमेज ब्लॉक के साथ, ठीक है। दोनों पे सेम CTP चढ़ा रखा है मैंने, ताकि कंपैरिजन में कोई दिक्कत ना हो। CTP ऑफ एनर्जी माइटी वाला दोनों पे चढ़ा हुआ है, कोई बोलना मत कि अलग अलग CTP चढ़ा हुआ है, नॉर्मल CTP नहीं चढ़ा हुआ, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैक्स आउट है, मेटिक कर रखा है मैंने। यूनिफॉर्म बोनस में केबल में मेरे पास केबल के जो यूनिफॉर्म बोनस है इसमें सारे करेक्टर हैं, 4 करेक्टर हैं बस, बस एक को छोड़ कर, और सेरन में नहीं है, एक करेक्टर ही मेरे पास उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, दोनों इक्वल पे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो बोल रहा मुझ कोई कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फटाक से चलते हैं हम नल में, और जल्दी से मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत टेस्ट करके कि टाइम कितना ले रहा है कोई। तो यहाँ पे मैं लेवल 9 ले लेता हूँ। लेवल 9 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लेवल 9 में मेरे को टाइमिंग का अंदाज़ा हो जाएगा, कितना अच्छा टाइमिंग, कितना फास्ट जल्दी क्लियर कर रहा है ये करेक्टर, ठीक है। मैं चाहूँ हार्ड भी ले सकता हूँ, चलो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, चलो ले लेते हैं। यहाँ पे ह्यूमन ले लेता हूँ, ह्यूमन में है क्या, नहीं है, हटाओ, ठीक है। यहाँ पे सुपर हीरो मेल, अरे मेल वो तो सेरन पे जाएगी नहीं, सेट फीमेल, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे ले लेते हैं, वुमेन है 14, चलो 14 ले लेते हैं इसमें, मेल है ना, नहीं मेल नहीं होगा, सेट एक काम कर भाई तू 9 ही पे आ जा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेरन को, पहले सेरन का लेके चलते हैं और इसका देखते हैं क्या टाइमिंग है। सेरन में मैं ले जाता हूँ लीडरशिप में, एक सेकंड देखिए आ गया लीडरशिप का इसका लीडर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ निक फ्यूरी। देखो अगर तुम्हारे पास निक फ्यूरी प्रीमियम करेक्टर है, ठीक है, तो मैं डायमेंशन मिशन से मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता अदरवाइज तो आप साइक्लोब उठा सकते हो, साइक्लोब एक ऑप्शन है। अगर आपके पास वांडा है तो वांडा भी ले सकते हो, 45% का एनर्जी अटैक वांडा प्रोवाइड कर रही है सेरन को, ठीक है। वो नहीं है, ACN1 ले लो, बेस्ट करेक्टर है, मस्त एकदम सेरन के लिए, ठीक है। सपोर्ट भी देगी साथ साथ लीडरशिप भी दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ACN1 नहीं है तो हेला ले सकते हो, ठीक है। हेला नहीं है तो लास्ट ये ऑप्शन रहेगा, क्या नाम है इसका, ये स्टार लॉर्ड 55% का एनर्जी अटैक दे रहा है। इसके बाद एक नया इन्फॉर्म भी है, पर मैंने वो लिया नहीं है, इन्फॉर्म परचेस नहीं किया है, मैं वेस्ट नहीं करूँगा क्रिस्टल को अपने, क्योंकि अभी बेटा रिवील का आने वाला है, तो बेटा रिवील को मैं Tier 4 करूँगा और इसका रिव्यू आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, तो उसका वेट करना आप लोग। और बस ये करेक्टर है, आप ले सकते हो फ्री टू प्ले के बाद आसानी से मिल जाएगा, स्टार लॉर्ड मिल जाएगा और एशियन मिल सकता है, मिल जाएगा उनको, और साइक्लोन मिल सकता है,
ठीक है। तो सबसे मैं लेके चल रहा हूँ अभी टॉप का लेवल का करेक्टर ले चल रहा हूँ निक फ्यूरी को। और यहाँ पे मैं सपोर्ट में मैं बता दूँ आपको क्या ले सकता हूँ, या फिर आप वाइट फॉक्स ले सकते हो, वाइट फॉक्स है वाइट फॉक्स ले लो। टास्क मास्टर ले सकते हो, टास्क मास्टर सबको मिल जाएगा फिर तो, बायोमेटिक्स बायोस से मिल जाएगा नॉर्मल बायोस से, ठीक है। और अगर आपके पास इबोनीमो है मतलब कि अच्छा खासा ये वाला इन्फॉर्म है, 6 स्टार है, T3 है, तो ले सकते हो, वरना कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये भी ले सकते हो तुम, पर ये सपोर्ट के लिए है और लीडरशिप दोनों मैंने बता दिया था। और ये भी ले सकते हो सूरी, ठीक है सूरी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे करेक्टर हैं यहाँ पे, जैसे कि मिस्टिक है, जिसके पास मिस्टिक है तो ले सकते हैं, मिस्टिक हो गई, आपके पास एशेंट होगी, अरे एशेंट वन बोली सॉरी, वैलकेरी हो गई, और आपके पास बहुत सारे करेक्टर हैं, कोई सा भी ले सकते हो आप लोग। तो मैं ये ले लेता हूँ ये वाला करेक्टर, ये वाला इन्फॉर्म सीजनल इन्फॉर्म है याद रखना, ये वाला 1750 की सेल में मैंने परचेस किया था, ठीक है। तो ये वाला सीजनल इन्फॉर्म है, तो मैं ये वाला इन्फॉर्म नहीं ले रहा हूँ, ये वाला करेक्टर नहीं ले रहा, मैं नॉर्मल ये वाला ले लेता हूँ या फिर ये ले लेता हूँ, ये तो सभी के पास होगा तो कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। और मैं स्ट्राइकर लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं नॉर्मल टेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर किसी के पास स्ट्राइकर अच्छा स्ट्राइकर नहीं हुआ, मेरे पास भी थोड़े अच्छे लेवल पे स्ट्राइकर है, तो मैं स्ट्राइकर लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि टाइम कितना ले रहा है बेस्ट करेक्टर में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं हम, और मैं इसको पूरा क्लियर नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इसको मतलब कि जैसे ही 30 वर्ड्स पर आ जाएगा मैं इसको रोक दूंगा। तो स्किल रोटेशन मैंने वीडियो में बता दिया था आपको, स्किल रोटेशन किया था शेरोंग का, तो वीडियो नहीं देखी वीडियो जाके देख लो। तो ये इसने वन शॉट कर दिया वहाँ पे, देखते हैं कितनी कितने मिनट में क्लियर कर देती है शेरोंग। और ये यहाँ पे भी क्लियर कर दिया, बढ़िया भाई। शेरोंग तो शेरोंग है, कुछ भी हो शेरोंग तो मेरोन है, फीमेल टाइप की ब्रास कैटेगरी में कैरेक्टर है, तो बहुत बढ़िया लेवल की करेक्टर है। यहाँ पे मैंने निक फ्यूरी ले रखा है, यहाँ पर ध्यान रखना मैंने निक फ्यूरी पे इनसाइड चिपका रखा है, CTP ऑफ इनसाइड, वो भी ब्रिलियंट वाला, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना आप लोग। और यहाँ पे मैं TH3 दबा देता हूँ, तो ये मेरा क्लियर हो जाता है बहुत आसानी से, करीब करीब 39 सेकेंड लिया इसने, यस 39 सेकेंड में इसने क्लियर कर लिया है शेरोंग का लेवल नाइन क्लियर कर लिया इसने नल का 39 सेकेंड में, ठीक है। अब यही लेके चलते हैं हम, केबल कहाँ गया, वेयर इज केबल, कहाँ गया ये रहा, केबल को यहाँ रखते हैं। मैग्नेटो अगर होगा, मैंने मैग्नेटो होगा अगर आपके पास डीलक्स पैक ले रहा हो तभी लेना लीडरशिप में, वरना कोई बात नहीं। मैं यहाँ से मैग्नेटो हटा देता हूँ, जिसके पास मैग्नेटो है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैग्नेटो नहीं है साइक्लब उठा लो, साइक्लब तो मिल जाएगा आसानी से बायोस से, ठीक है। TH3 कर लेना, ये वाला इन्फॉर्म उठा लेना, बस हो गया बात खत्म। ऑल टाइम मिल जाएगा आपको 35% का। और मैग्नेटो नहीं है, मैग्नेटो या साइक्लोप भी नहीं है, तो यहाँ पे लीडरशिप के ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं। मैंने बताया था हेला भी ले सकते हैं और एशियन वन भी ले सकते हो, पर उतना बेनिफिट नहीं मिल सकता जितना मैग्नेटो और साइक्लोप से मिल सकता है, पर आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर साइक्लोप ले लेता हूँ, सपोर्ट की मैं दिखा रहा हूँ सपोर्ट में क्या ले सकते हो आप। सपोर्ट में बहुत सारे करेक्टर हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड करेक्टर है सपोर्ट में, कोई सा भी ले सकते हो आप लोग। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कौन सा लो भाई, ठीक है थोड़ा हल्का सा करेक्टर लेता हूँ, ज़्यादा कोई चलो ये ले लूँ क्या, चलो ये लेता हूँ, पर ये करेक्टर किसी के पास होगा नहीं तो मैं ये हटा देता हूँ। वैलकेरी ले लेता हूँ, वैलकेरी अगर किसी के पास होगा तो वैलकेरी अच्छा सपोर्ट है, सभी को पता है, ठीक है। तो वैलकेरी ले सकते हो, या फिर मैं टास्क मास्टर को ही ले लेता हूँ, या फिर ये ले सकते हो, ये भी फ्री टू प्ले करेक्टर है, ये ले सकते हो आप, ये बायस से मिल जाएगी आपको, आई थिंक नहीं बायस से नहीं मिलेगी, ये तो फ्यूचर पास में आया था, सॉरी टास्क मास्टर ही ले लेता हूँ, टास्क मास्टर लेके चलता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं स्ट्राइकर यहाँ पे भी हटा देता हूँ ताकि कोई बोले ना, सो लेट्स डू दिस। सो यहाँ पे देखते हैं हम कितना, 39 सेकेंड में शेरोंग ने क्लियर किया था, केबल का देखते हैं कितनी मिनट में क्लियर करता है। केबल का स्किल रोटेशन 5 कैंसिल 3 कैंसिल 4 याद रखना, ठीक है 5 कैंसिल 3 कैंसिल 4। मैं बिना टाइम वेस्ट किया कर रहा हूँ,
मैं बहुत कोशिश पूरी करूँगा कि 39 सेकंड के अंदर अंदर कर दूँ मैं। देखो दोनों करेक्टर्स भले ही ब्लास्ट टाइप के हैं, पर वो दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, बात ध्यान में रखना। केबल जो है वो म्यूटेंट टाइम के कैटेगरी में आता है, ठीक है, और वो शेरोन जो है वो नॉर्मल करेक्टर है, वो नॉर्मल TXT इसको कर सकते हैं। फ्री टू प्ले करेक्टर है वो, जैसे ही अगर गेम में नए नए प्लेयर्स आते हैं तो वैसे ही ऑलरेडी आपको TXT मिल जाएगी, वो सॉरी TXT बोल रहा हूँ, Tier 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया, 1 सेकेंड रह गया, बस 1 सेकेंड, 30 मिनट्स में इसने क्लियर कर दिया, 30 मिनट में केवल ने क्लियर कर दिया। मैं अभी चाहता था इसको और जल्दी क्लियर हो सकता है ना, बहुत और जल्दी क्लियर हो सकता था, 40 मिनट लगे इसको, सॉरी 40 मिनट में केवल ने क्लियर कर दिया है। देखो मैं बता दूँ आपको क्लियर, शेरोन और केवल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही लेवल के करेक्टर हैं, दोनों के पास Tier 4 है, दोनों के पास CTP एनर्जी ही इस करेक्टर पर लगती है, और कोई CTP नहीं लगता है। केबल पे कोई कुछ लोग देते हैं रेज, पर मैं प्रेफर नहीं कर सकता आपको रेज देने के लिए, केबल को आप लोग सिर्फ CTP ऑफ एनर्जी दो, उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। और ये ऑल इनफॉर्म काफ़ी तगड़ा लेवल का है और GBR में बहुत जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। तो आप एक बार सोचो और समझो, दोनों एक फीमेल करेक्टर है और एक मेल करेक्टर है, दोनों अलग अलग उनका काम है, दोनों का डैमेज अलग अलग है, पर डैमेज दोनों का तगड़े लेवल पे है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा करेक्टर लेना है कौन सा नहीं लेना है। दोनों ही अच्छे हैं, कोई सब देख लो दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप शेरोन को परचेज करते हो Tier 4 करते हो, शेरोन के साथ जा सकते हो। केबल लेते हो अगर आप लोग, केबल के साथ जाते हो, केबल अगर आपको डिलक्स पैक ले रखा ना, केबल रेडी कर रहे हो मतलब कि फ्यूचर के लिए, तो केबल के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये रही वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेटर एविल का Tier 4 आने वाला है, तो उसका रिव्यू मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, तो उसका वेट करना आप लोग, ठीक है। Tier 4 के साथ बेटर एविल 1 शॉट करेंगे GBR में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।